हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर हम कुकर स्मार्ट टीवी का जो 55 इंच वाला वेरिएंट है उसकी यहाँ पर डिटेल स्पेसिफिकेशन जानेंगे, क्या है उसकी प्राइस, कब ये टीवी अवेलेबल होने वाला है और मेरी पर्सनल ओपिनियन कि क्या ये टीवी आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, इन सारी चीजों को जानेंगे बस एक ही वीडियो में। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कुकर स्मार्ट टीवी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो ऊपर आई बटन में मेरे वीडियो का लिंक मिल जाएगा और उस पर जाकर आप कुकर स्मार्ट टीवी के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हाँ, पर आपको जैसे कि पता होगा कि कुकर स्मार्ट टीवीज ने टोटल 4 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं इंडियन मार्केट में और आज की वीडियो में यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ 55 इंच वाले वेरिएंट की ही बात करने वाला हूं। अब आप पूछेंगे क्यों, तो भैया बाकी के जो 3 वेरिएंट्स हैं और इतने ज्यादा खास नहीं लगे हैं मुझे, लेकिन जो ये 55 इंच वाला वेरिएंट यार मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है और जो स्पेसिफिकेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी मुझे लगी है। दोस्तों चलिए जानते हैं इसके डिटेल स्पेसिफिकेशन। दोस्तों इस टीवी का जो साइज है वो है 55 इंच एंड जो प्राइसिंग रखी गई है वो है सिर्फ 31,500 रुपीस। अब दोस्तों मुझे लगता है शायद ही कोई कंपनी आपको फर्स्ट लॉन्च में 55 इंच का टीवी आपको इतने कम प्राइस में प्रोवाइड करा सकती है। अब दोस्तों चले जाते हैं इसके डिटेल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों इस टीवी में यहां पर आप अल्ट्रा एचडी 4K वीडियोस प्ले कर पाएंगे, मतलब कि ये एक 4K टीवी है। इसी के साथ दोस्तों इस टीवी में आपको आईपीएस पैनल दिया गया है। अब नॉर्मल पैनल से आईपीएस पैनल की जो परफॉर्मेंस होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, मतलब यहां पर जो कलर मिलते हैं एंड जो आपका व्यूइंग एंगल होता है वो काफी ज्यादा अच्छा यहां पर आपको आईपीएस पैनल में मिल जाता है। इसी के साथ दोस्तों इस टीवी में जो डिस्प्ले यूज की गई उसका जो रिफ्रेश रेट है वो है 60Hz का, मतलब आपको यहां पे कोई लैग वैग वगैरह भी नहीं दिखने मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों इस टीवी में आपको HDR10 एंड डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिल जाता है। इसके बाद इसकी जो मेन हाईलाइट है दोस्तों कि ये एक 3D टीवी है। अब 3D टीवी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिस तरीके से आप थिएटर में जाकर वो 3D ग्लासेस पहन के 3D मूवी को एंजॉय करते हो वो सेम चीज अब अपनी इस टीवी से कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, अपने टीवी में कोई भी 3D मूवी को प्ले करना होगा और आपको अलग से एक 3D ग्लास बाय करना होगा, उसके थ्रू आप अपने टीवी में 3D मूवीज का मजा ले पाएंगे। तो मुझे काफी अच्छी बात लगी है कि ये एक 3D टीवी है तो आपको यहाँ पे 3D मूवीज का देखने का भी एंजॉयमेंट मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी पोर्ट्स की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 3 HDMI पोर्ट दिए गए हैं, 2 USB पोर्ट दिए गए हैं और एक इंटरनेट पोर्ट भी आपको मिल जाता है। अगर कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें दोस्तों तो इस टीवी में आपको बिल्ट इन वाईफाई एंड ब्लूटूथ का भी सपोर्ट मिल जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर एंड रैम की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2GB की रैम मिलती है, 8GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी सी इंटरनल स्टोरेज है वो थोड़ी सी इंप्रूव की जा सकती थी, एटलीस्ट 16GB तो हमको मिलनी चाहिए क्योंकि 8GB में यार इतना ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोसेसर की। दोस्तों यहाँ पर आपको ARM Cortex CA53 का क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है जो कि रन करता है 1.1 GHz के स्पीड पर, जो कि आपको एक नॉर्मल अच्छी आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देता है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर आपको Mali-K 450 यहाँ पर आपको ग्राफिक प्रोसेसर दिया गया है, मतलब ओवरऑल जो यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट है वो काफी अच्छा दिया गया है, मतलब आपको कोई भी लैग वगैरह यहाँ पर इस टीवी में देखने नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं इस टीवी के साउंड सिस्टम की। तो यहाँ पर आपको टोटल 2 स्पीकर्स दिए गए, दोनों की जो टोटल आउटपुट है वो है 20W की। अब यहाँ पर दोस्तों इसके साथ में यहाँ पर आपको डॉल्बी डिजिटल एंड DTS साउंड का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप कोई 55 इंच का टीवी बाय कर रहे हो उसके साथ में अगर आपको 2 ही स्पीकर्स मिल रहे हैं और उनकी जो आउटपुट है सिर्फ 20W की है तो मुझे लगता है कि आपको एक एक्सटर्नल साउंड बार लेना पड़ेगा। दोस्तों ये थे टीवी के टोटल डिटेल स्पेसिफिकेशन जो कि काफी अच्छे मुझे लगे हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं टीवी के डिजाइन की तो दिखने में टीवी काफी ज्यादा खूबसूरत है, मतलब यहाँ पे बेजल्स जो है बहुत ही थिन दिए गए, लेकिन इसके साथ में जो टीवी की थिकनेस है वो बैक से थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब थोड़ी सी आपको थोड़ी सी जो टीवी है वो बहुत ज्यादा थिक दिखने वाली है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता अगर आप अपनी टीवी एक बार लगा दोगे तो आपको फ्रंट से टीवी काफी ज्यादा अच्छी दिखती है। प्लास्टिक बिल्ड है यहाँ पर, मेटल बॉडी आपको नहीं मिलती है। दोस्तों ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन है काफी अच्छे लगे हैं मुझे, थोड़ी सी डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी कम है यहाँ पर, वो है 313 निट्स की, जो कि आपको थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम दे सकती है अगर आप अपने टीवी पर ज्यादा एक्सपोजर में रखते हो सनलाइट के, लेकिन अगर आप अपने टीवी को डार्क रूम में यूज करते हो तो काफी अच्छा यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस मिलने वाला है। दोस्तों ये थे टोटल डिटेल स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ पर बात करते हैं टीवी की प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग मैंने बता दिया है ऑलरेडी, इसकी जो प्राइसिंग है वो है 31,500 रुपीज। अब ये टीवी आपको फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा, 18 November से बेसिकली इसकी जो सेल्स है वो चालू हो चुकी थी, तो नेक्स्ट सेल कभी है वो आपको चेक करना पड़ेगा फ्लिपकार्ट से। अब दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की कि क्या ये टीवी आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर ये जो टीवीज है इंडियन मार्केट से पहले और भी अदर कंट्रीज में लॉन्च हो चुके, लेकिन इंडियन मार्केट में देखा जाए तो जो कोका टीवीज है इनकी कोई भी सर्विस सेंटर इंडियन मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं है और इन्होंने अभी तक पूरा मार्केट जो है अपना अभी तक इंडियन मार्केट में सेटअप नहीं किया है। इसके साथ दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो देखने जाओ इंडियन कंट्री का इस कोका स्मार्ट टीवी के बारे में तो आपको शायद ही कोई वीडियो नहीं मिलेगी। एक लौता मैं ही मुझे लगता है कि ऐसा एक यूट्यूबर हूं जो आपके लिए कुकर स्मार्ट टीवी के रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूं एंड यहां पर आपको कोई भी अनबॉक्सिंग नहीं मिलेगी इंडियन यूनिट की, तो ये मुझे काफी अजीब बात लगी क्योंकि नॉर्मली कोई टीवी लॉन्च होती है तो वो रिव्यू यूनिट्स भेजती है यूट्यूबर्स को, लेकिन इस टीवी ने यार ऐसा कुछ भी नहीं किया था, आपको एक सिंगल वीडियो भी नहीं मिलेगी मेरे वीडियो को छोड़कर कुकर स्मार्ट टीवी के बारे में। अब दोस्तों यार मैं यहां पे एक ही चीज बोलना चाहूंगा क्योंकि ये टीवी यार अभी अभी लॉन्च हुई है, इसका सर्विस सेंटर भी वगैरह भी नहीं है। हालांकि अगर आप टीवी ले लेते हो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लोग सर्विस अरेंज करा देंगे, लेकिन यार फिर भी
थोड़ा सा वेट कर लो, एक दो महीने वेट कर लो, अनबॉक्सिंग वगैरह आने दो। मैंने भी यहाँ पर रिव्यू यूनिट के लिए अप्लाई किया है, अगर हो सके तो यहाँ पर आ जाएगा तो मैं भी आपको बता दूंगा एक्चुअल में टीवी कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, ड्यूरेबिलिटी कैसी है, वो सारी चीज़ों को जान लीजिए, थोड़ा टाइम वेट करिए। और फिलहाल के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि फिलहाल के लिए आप इस टीवी को ना लीजिए, थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए, उसके बाद ही आप इस टीवी को